के लिए गए हैं, जिसमें रीवा में एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको लेके कैबिनेट में सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिला है। अभी तक 5 एयरपोर्ट थे, ये छठवां है, और 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में उस इलाके में विंध्य क्षेत्र जहाँ पर सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क्स हैं, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, अनकनेक्टेड एरिया था, वहाँ पर एक बड़ी सुविधा मिली है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई, जैसा कि आप सबको जानकारी है, वो शुरू हो चुकी है और उनके दौरे नवंबर में कमेटी के दौरे होंगे आयोग के, और तहसील, विकास खंड, जिला, संभाग स्तर पर लोगों से के सुझाव लिए जाएंगे और उस आधार पर प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के को सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट में हुई है। 4-6 माह का पर्याप्त समय रहेगा आवेदन और अभ्यावेदन लेने के लिए। इन 4-6 महीनों में सारे पूरे प्रदेश का एक फीडबैक आयोग के पास आ जाएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा इलाका ऐसा है जो दूरस्थ है, और नज़दीकी कौन से ज़िले में उसको पुनर्गठन करके शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत पुरानी लंबी डिमांड रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, प्रशासनिक इकाई बनाई है, वो आने वाले दिनों में उसके काम शुरू होने वाले हैं। रोजगार सृजन की के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, MSME है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर लोगों को ट्रेड किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहाँ पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरियाँ, दिसंबर 24 तक 1,00,000 सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने कई समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियाँ की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो PSC से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1,00,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। आज भी एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,900 पदों की स्वीकृति हुई है, 454 स्वास्थ्य उन केंद्रों पे, जिसका उन्नयन या नए अस्पताल की स्थापना 2023 में की गई, जिसमें जिला अस्पताल भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, उसमें काम उनके चल रहे हैं। उसका बिल्डिंग का स्वीकृति तो पहले ही हो गई थी, आज उन 454 केंद्रों की पदों की भी स्वीकृति हुई है 7,900, उसकी भी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी। और इस सब मिला के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 1,00,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया PSC और कर्मचारी चयन मंडल ने शुरू कर दी है। ये वो नए स्वास्थ्य केंद्र हैं जो उन्नयन के रूप में नए हैं, या 3 जो हमारे नए जिले बने थे उस समय उसके नए जिला अस्पताल हैं, तो उनके भवन के निर्माण किसी का 50% हो गया है, किसी का 60% हो गया है। 100% उनके भवन के निर्माण पूरा होने तक वहाँ पर लगने वाला जो भी मानव संसाधन है वो उपलब्ध रहे, इसकी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट करेंगे और वहाँ पर जो
उत्सुक लोग हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ के पोटेंशियल के बारे में उनको वहीं पर चर्चा होगी, कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, कहाँ पर फूड पार्क लगाया जा सकता है, कहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की संभावना है, कहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम हो सकता है। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि सीमेंट का हब है, वो 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। ये वही इलाका है जहाँ 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उसमें स्थापित किया था, दिल्ली की मेट्रो से चलती है और नेशनल पार्क है, तो पर्यटन की भी संभावना है और निवेश की भी संभावना है। शानदार 4 लेन की सड़कें उधर यूपी से इधर जबलपुर और झांसी और चारों तरफ विश्वस्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई है। रेलवे लाइन का काम सीधी से सिंगरौली का युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बन गया है। तो निवेश की लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है, जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो बन के तैयार हुआ है। और इसमें विशेषता ये है कि जो उड़ान स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें उड़ेगा देश का आम आदमी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सकेगा, जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग सोचते थे कैसे संभव है, लेकिन रीवा के एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज रीवा से भोपाल आएगा आपको जान के आश्चर्य होगा, 999 रुपये में आएगा। AC 3 टायर का किराया है 927 रुपये और हवाई जहाज का किराया है 999 रुपये। AC 2 टायर का ज़्यादा है और AC 1 का ज़्यादा है 1600 और 2000, और हवाई जहाज का कम है। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ऐसा हम उड़ान स्कीम लाए हैं, वो रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वो एक सपना साकार होने हो रहा है। तो रीजनल इन्वेस्टर समिट की अच्छी तैयारी है और कल मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारेंगे और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वहाँ पर निवेश 4000 स्टेशन वहाँ हो चुके हैं, 4000 स्टेशन हो चुके हैं और जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि और ये जो हमारे सीमेंट प्लांट के हैं डालमिया ग्रुप से लेकर सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो भी अड़चने हैं वहाँ पर चर्चा होंगी और उनका समाधान निकलेगा और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा। सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3,44,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की जो MSP की दर है उससे पहली बार प्रदेश में खरीदी हो रही है। किसान बड़े उत्साह के साथ खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं और अपना पंजीयन करा रहे हैं। हाँ, पंजीयन में काफ़ी उत्साह है, पंजीयन हो गया मतलब तैयारी है उनकी बिक्री और खरीदने की। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन पिछले दिनों गडकरी जी आए थे और 7 रोड 9,369 करोड़ की स्वीकृत हो चुकी है। भोपाल से कानपुर वाया सागर बहुप्रतीक्षित मार्ग है, क्योंकि सागर जाते समय लोगों को लगता था कि चारों तरफ 4 लेन की सड़क बन गई है, भोपाल से सागर को नहीं बनी, तो अब सागर से लेकर कानपुर तक जिसमें सागर का बाईपास भी शामिल रहेगा, ये एक बड़ा काम मंजूर हुआ है। और उसके साथ ही 27 रोड ऐसी हैं जिसकी लागत है 20,403 करोड़ की, उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है। माइनिंग कॉन्क्लेव भी हुआ भोपाल में 17-18 अक्टूबर को, राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और 11 औद्योगिक घरानों ने 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, इसकी भी चर्चा हुई है आज की कैबिनेट में। दीपावली पर्व के कारण माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को विक्रम होगा, जिससे कि दीपावली में उनको सुविधा रहे। सभी निगम मंडलों में भी 28 अक्टूबर को वेतन वितरण किया जाएगा। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रही है, तो चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि
मंत्री सांसद विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के तैयार की है वहाँ पर जाकर गौवर्धन पूजा में शामिल होंगे। सिंहस्थ 2028 में होना है और उसके लिए हमेशा से भव्य तैयारियां होती रही हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी अतिक्रमण और समस्या इस प्रकार की बातें भी आती रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने उसको अनुमोदन किया है कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे और रोड और नाली ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी और कम से कम 5 बीघा ज़मीन हम उन अखाड़ों को या महामंडलेश्वर का जो संस्थाएं हैं उनको हम 5 बीघा ज़मीन देंगे जिसमें कि निर्माण वो 1 बीघा में ही कर पाएंगे, बाकी ओपन एरिया रहेगा जहाँ पर यज्ञ होगा, हवन होगा, प्रवचन होंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से भविष्य में सिंहस्थ का आयोजन होता रहेगा और बार बार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा। और ये भी शिकायत नहीं आएगी कि कहीं अतिक्रमण हो गया है या कहीं पर अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को हटाने की कोशिश करें, तो इतनी ज़मीन के अलॉटमेंट के बाद सबका स्थान निश्चित रहेगा और एक व्यवस्थित तरीके से इस बार का संघर्ष भी और आने वाले दिनों में भी संघर्ष का आयोजन हो सकेगा, ये मंशा है। हाँ, सभी अखाड़े जो जिनके भी आवेदन आते हैं किसी को भी सभी को एडजस्ट किया जाएगा। 5 बीघा प्रति अखाड़ा, 5 बीघा प्रति अखाड़ा। हाँ, और उसमें 1 बीघा में निर्माण करेंगे, पूरे में निर्माण कर लेंगे तो फिर रोड में फिर बाकी काम होता है तो फिर ट्रैफिक प्रभावित होता है। ये इसमें विशेष है कि आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी उन प्लॉट में नहीं कर पाएंगे, वो प्रतिबंधित रहेगा। आवासीय और कमर्शियल, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम जो समय समय पर पर्वों के त्यौहार आते हैं उसमें वो कर सकेंगे। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, प्रदेश के 12,670 जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे उनका उन्नयन हुआ है पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर सहायिका का पद नहीं होता, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता था, अब पूर्ण आंगनबाड़ी हो जाने से 12,670 पद तो ये सृजित हो जाएंगे और 476 पर्यवेक्षक, क्योंकि जब ये पूर्ण हो गए तो 25 आंगनबाड़ियों पे जो एक सुपरवाइजर होता है तो उसके हिसाब से 476 सुपरवाइजर के पद भी सैंक्शन आज कैबिनेट ने किया है और इससे 213 करोड़ रुपए का आर्थिक वार्षिक व्यय आएगा जिसमें से 179 करोड़ राज्य शासन तय भार उठाएगा और केंद्र से 34 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। तो 12,670 तो कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी होते थे लेकिन सहायिका नहीं होते थे, तो अब ये पूर्ण हो गया तो सहायिका का पद हो, सहायिका का मिल गया और पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में 476 पद हमें सुपरवाइजर के भी मिल गए, तो कुल मिला के ये इसमें 213 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसको कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी है और इससे जो कार्यक्रम होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। स्कीम फॉर केयर जो पास्को 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ जो दुराचार हो जाता है उसके कारण वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और फिर उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हर जिले में 10 लाख रुपए देने का निर्णय आज हुआ है और उसमें आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको जो जो भी सहायता के नॉर्म्स हैं उनको मदद दी जाएगी। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आज कैबिनेट ने फैसला किया और हेल्थ का हमने बताई दिया आपको कि 454 केंद्रों वाला हाँ जिला कलेक्टर ही इसको देखेंगे। स्वास्थ्य में हमने बताया कि 351 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आएगा जिसमें हमने लगभग 7,900 पद मंजूर किए हैं 454 केंद्रों में और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अभी 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन नहीं मिलती थी, तो आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि 7वें वेतनमान से जो 2016 में रिटायर हुए हैं उनको 2016 से और जो 2018
में रिटायर हुए हैं उनको 2018 से, जो 16 से उनको 18 के बाद से, हाँ 16 के बाद उनको 16 से, जो 16 के बाद हुए हैं उनको 16 से, 2018 से हुए उनको तो 18 से ही होगा, तो इनको ये पेंशन अब सातवें वेतन मान के आधार पर मिलेगी। और आप सब लोग रीवा आमंत्रित हैं, रीवा आइए और रीवा में वाइट टाइगर भी देखिए और एयरपोर्ट भी देखिए और रीवा में रीवा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यदि आप लोग 10-15 साल पहले जो गए हों तो उनको तो बहुत फ़र्क दिखेगा। और इस इन्वेस्टर समिट में अच्छी तैयारी की गई है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप लोग पधारें। रीवा का होने के नाते भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अब ये तो कल ही 4000 निवेशक आ रहे हैं जी। तो आप ये मानिए कि अच्छा निवेश होगा। सर जो भी इन्वेस्टर सबमिट होती है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाती चीजें, इस बार आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि चीजें मैच्योर हो और ज्यादा से ज्यादा निवेश आए? देखिए इन्वेस्टर सबमिट होना तो शुरू हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले इन्वेस्टर सबमिट इसलिए नहीं हो पाते थे कि मध्य प्रदेश में चलने लायक सड़कें ही नहीं रहती थी, गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, पावर सरप्लस स्टेट नहीं था। आज हमने सबसे पहले हमने इसको पावर सरप्लस स्टेट बनाया, 4 लेन से सभी संभागीय मुख्यालयों को जोड़ा और सिंचाई के नहरों का जाल बिछाया, आम आदमी के पे कैपेसिटी बढ़ाई से व्यापार बढ़ा है। तो उसके कारण जब हमने मध्य प्रदेश की मार्केटिंग की तो मध्य प्रदेश के पोटेंशियल के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। और पहले हम क्या मार्केटिंग करते, क्या ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गड्ढों वाली सड़कें हैं और पावर डेफिसिट वाला राज्य है। तो जब ये होने लगा तो आप देखिए वाल्वो आयशर ने 7वां प्लांट लगाया है मध्य प्रदेश में, ऑटोमोबाइल के इतना बड़ा सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी में रीवा में यदि 750 मेगावाट का 4,500 करोड़ के निवेश में 16 प्लांट लगा, तो ये हमारे जो प्रचार प्रसार है उसी के आधार पर तो लोग यहाँ पर आए। तो सीमेंट और पावर प्लांट हमारे अब रीवा में सीमेंट बनती है, सिगरौली में पावर बनता है, तो वहाँ कोयला इतना है, लाइव स्टोर इतना है, बन रही है। तो खनिज संपदा भी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा वातावरण होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया है, जिसके कारण अब ये इन सब के बाद आपको ध्यान होगा कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, एक बार खजुराहो में भी हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम संभागीय स्तरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसके इतने अच्छे परिणाम हैं कि रीवा में रीवा के पोटेंशियल के आधार पर हम रीवा को फोकस करके बात कर रहे हैं। तो लोगों को खींचने में, आकर्षित करने में हमको ज़्यादा आसानी है। और यदि हम बड़े समूह में करते हैं तो उस समय वो आवश्यक था, लेकिन अब मध्य प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच चुका है तो अब ये बहुत प्रासंगिक हो गया है, सामयिक है। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के प्रयोग को अपनाया है। इंडस्ट्री लगाएंगे, सरकार क्यों उनको इस प्रकार के आयोजन करती है? क्योंकि हमें बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने नौजवानों को वहां पर रोजगार के अवसर तैयार करना है। तो एक तो रोजगार का अवसर तैयार होता है सिंचाई का रकबा बढ़ाने से, किसान संपन्न होता है तो व्यापार बढ़ता है, तो उससे रोजगार का अवसर बढ़ता है। और दूसरा पर्यटन की क्रांति हो जाए, टूरिज्म इतना बढ़ जाए। अब दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर एक सुई नहीं बनती है निर्माण के नाम, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के लिए इस प्रकार के निवेश के आयोजन किए जाएं, लोगों को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए कि आइए और आप लोगों को यहाँ पर हम जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब्सिडी देंगे, आप हमारे क्यों। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार के अवसर तैयार होंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।